हेलो एवरीवन एवरीवान स्टाड्यूज चैनल पे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग एच एस एग्जाम 2024 के लिए जनरल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम लोग देखिए द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ 23 अगर 23 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना है थ्री तो थ्री का क्यूब थ्री का क्यूब कितना होगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना होगा ट्वेंटी तो लास्ट में सेवन है इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया सेवन अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है नंबर नंबर इज फैक्टर ऑफ एवरी तो वन जो है वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर नेक्स्ट व्च ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर तो इसमें देखना है कि इसमें ओड कौन सा है तो वन सिक्सटी नाइन लास्ट में नाइन ओड है ठीक है क्योंकि जिसके लास्ट में वन हो थ्री हो फाइव हो सेवन हो नाइन हो क्या होता है ओड होता है तो ये वन सिक्सटी नाइन है यह क्या है थर्टीन का स्क्वायर होता है थर्टीन का स्क्वायर मीन्स का मतलब नंबर का स्क्वायर है तो ओड नंबर का स्क्वायर नंबर होता है और इवेंट नंबर का स्क्वायर नंबर होता है द नंबर ऑफ आफ्टर द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर दिजिटर डेमल जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद में मीन डेसिमल के बाद में कितना डिजिट के बाद में स्टॉप हो जाएगा तो देखिए नीचे में कितना सिक्स ट्वेंटी फाइव तो सिक्स ट्वेंटी फाइव है या सिक्स ट्वेंटी फाइव को जो फैक्टर निकालेंगे तो फाइव का पावर कितना होगा फोर फाइव पावर फोर होगा मीन्स हाइस्ट पावर फोर होगा तो आफ्टर फोर डिजिट द डिग्री ऑफ द पोलिनोम इसका डिग्री बताना डिग्री का मतलब हाइस्ट पावर पावर कितना है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ऑफ द प्रोडक्ट जीरो का फॉर्मला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए और यहां सी कितना है टू है और ए कितना है थ्री है तो टू बाई थ्री इज द राइट आंसर अगर इसी क्वेश्चन में पूछता क्या प्रोडक्ट पूछता जीरो अल्फा प्लस टू होता है बी का वैल्यू माइनस फाइव है कितना है थ्री ठीक है फॉर्मूला का है और ए माइनस कहां का है बी का वैल्यू माइनस फाइव तो माइनस माइनस प्लस तो आंसर कितना हो गया फाइव बाई थ्री नेक्स्ट क्या देखिए लाइन रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन दिस एंड दिस ऑन द ग्राफ विल इंसिडेंट को इंसिडेंट का फॉर्मूला क्या, क्या होगा को इंसिडेंट का फॉर्मूला होता है ए वन बायल टू बी वन बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू तीनों इक्वल तीनों इक्वल को इंसिडेंट बोलेगा तभी तीनों इक्वल या अगर बोल देगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन ठीक है इन्फाइनाइट सोल्यूशन तभी क्या होगा तीनों इक्वल और इवन बाई ए टू नोट इक्वल टू व्यू एन बी टू क्या होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा ना तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो एक सोल्यूशन मिलता है एक का मतलब सोल्यूनिक सोल्यूशन इसको यूनिक सोल्यूशन ही बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन ठीक है और जो लास्ट वाला नॉट इक्वल इवन बाई ए टू इक्वल टू व्यू एन बी टू नोट इक्वल टू सी एन बी सी टू लास्ट वाला अगर इक्वल नहीं है तो इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन नो सोल्यूशन ठीक है नो सोल्यूशन का मतलब दो लाइन क्या है पेरल है टू लाइनल टू लाइन ठीक है तो जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा मतलब नो सोल्यूशन होगा तब उसको बोलते है क्या बोलते हैं हैं क्या हम लोग इनकॉन्सिस्टेंट नो सोल्यूशन का मतलब जब सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो बोलेंगे इनकॉन्सिस्टेंट और ह्यूमिक सोल्यूशन आया तो इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट ये भी इनफाइन सोल्यूशन आया मैंने सोल्यूशन निकला तो इसको बोलेंगे कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन अगर निकला यूनिक सोलूशन हो चाहे इन्फाइनाइट सोल्यूशन हो तो कॉन्सिस्टेंट आज जब नो सोल्यूशन में तो सोल्यूशन नहीं निकला यहाँ ए नो एनो नो ए नो नो तो यहाँ हो गया इन नो सोल्यूशन इन कॉन्सिस्टेंट द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस देखिए ये क्या है यह लीनियर इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन होता है लीनियर इक्वेशन का सोलूशन क्या होता है इनफाइनाइट होता है अब देखिए द कंडीशन डेट द क्वालिटिक इक्वेशन दिस हैव नो रियल रूट्स देखिए नो रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो अगर बोलेगा नो रियल रूट तो क्या होगा बी ए स्क्वायर माइनस फोर सी लेस देन जीरो अगर बोलेगा इक्वल रूट्स अगर बोल दिया इक्वल तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर सी इक्वल टू जीरो इक्वल बोलेगा तो इक्वल टू तो जीरो आएगा इक्वल बोलने से क्या तो आएगा इक्वल टू जीरो अगर बोल दिया क्या रियल रूट्स क्या बोलेगा रियल तभी वाला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर एसी ग्रेटर बोलेगा तो बी स्क्सोर एसी ग्रेटर कितना बार फोर्टी वन बार है तो क्या करेंगे हम लोग फोर को इंटू कर देंगे फोर्टी वन से तो हो जाएगा वन सिक्सटी फोर नेक्स्ट देखिए द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस जब बोलेगा ना फ्रॉम एक्स एक्सिस मैंने वाई का वैल्यू देखना है आपको From तो y का y का कितना -3। But आपको डिस्टेंस ऑलवेज टेक पॉजिटिव तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मैंने वाई का वैल्यू वाई का वैल्यू जो है वही लिखेंगे बट माइनस नहीं लिखेंगे प्लस थ्री नेक्स्ट ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर यहां क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि जितना भी इक्वेटर ट्रायंगल होता है क्या होता है सिमिलर होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इज थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो देखिए जब कॉस का हम लोग वैल्यू लिखते हैं साइन का लिखते हैं कितना होता है जीरो वन बाई टू वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा थी तो जीरो तो क्योंकि लेफ्ट से जरा राइट जाएंगे तो क्या होगा साइन होगा लेकिन ए वैल्यू अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कॉस होगा तो साइन के लिए मिनिमम जीरो है कॉस के लिए मिनिमम क्या है जीरो है तो आंसर हो गया जीरो अब देखिए साइन फोर्टी माइनस कॉस फिफ्टी तो साइन को अगर हम कॉस में चेंज करेंगे तो साइन को जब कॉस में चेंज करेंगे तो जो एंगल है उस एंगल को नाइन्टी में से माइनस करना पड़ेगा तो नाइन्टी में से फोर्टी माइनस करेंगे कितना बचेगा जाएगा फिफ्टी फिर माइनस एक कॉस फिफ्टी तो कॉस्ट फिफ्टी प्लस में है और फिर कॉस फिफ्टी माइनस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया जीरो ओके okay? क्योंकि प्लस है और ये माइनस है cost 50 में से माइनस करें कॉस्ट फिफ्टी तो जीरो बचेगा नेक्स्ट देखिए ए टेंजेंट कैन हैव टू पैरेलल सॉरी टेंजेंट नहीं सर्कल अ अ सर्कल सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट एक सर्कल में टू पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम हो सकता है नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस आर देखिए एंगल ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा एंगल है एंगल कितना दिया पी तो थीटा जगह क्या हो जाएगा पी हो जाएगा तो पी बाई आंसर हो गया पी बाय थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर देखिए पाई आर स्क्वायर तो यहाँ में नहीं है तो ये नहीं होगा पाई आर स्क्वायर यहाँ भी नहीं है इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा स्क्वायर यहां है और यहां है ठीक है बट यहां में पाय स्क्वायर है लेकिन नीचे में कितना वन एटी है नीचे थ्री सिक्सटी चाहिए तो ये भी नहीं होगा तो यह आंसर हो गया ऑप्शन डी क्यों क्योंकि यहां में अगर टू से सेवन ट्वेंटी को कट करेंगे तो थ्री सिक्सटी आ जाएगा तो पी बाय थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर स्क्वायर देखिए क्या बोला है हमें क्वेश्चन में <coughs> आपको निकालना है मोड क्या निकालना है मोड मोड मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ उसको बोलते हैं मोड तो देखिए जब इसको अरेंज करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा और वन एक वन मिलेगा दो बार और टू मिलेगा एक बार दो बार तीन बार एक बार दो बार तीन बार फिर मिलेगा आपका थ्री मिलेगा फिर मिलेगा आपका सिक्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो इसको अरेंज कर दिए तो अरेंज करने से देखिए क्या मिला टू मिला थ्री टाइम्स तो मैक्सिमम टू जो है वो थ्री टाइम्स है तो जो मैक्सिमम टाइम्स होता है वही मोड होता है इसका मतलब टू इज द मोड टू इज द मोड मीन जो डाटा मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है तो टू मैक्सिमम टाइम्स तीन बार रिपीट हुआ है तो मोड हो गया टू अगर इसी क्वेश्चन का बोलता है क्या मेडियन निकालिए मेडियन निकालने क्या करना पड़ेगा मेडियन निकालने के लिए जो मिडिल में होगा वही आंसर होगा देखिए हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है तो एट है तो तीन इस तरह से तीन कट गया इधर तीन कट गया बीच में दो बचा तो इन दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड बीच में दो बचा है तो टू प्लस टू डि टू, फोर बाई टू, टू. टू द मेडियन अगर मिडिल में एक बचा तो ठीक ही है वही मीडियन होगा लेकिन मिडिल में अगर दो बच गया तो दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड टुल मिलेगा मीडियन अब देखिए सेवन इंटू एलेवन इंटू थर्टीन इंटू फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन तो एक फर्स्ट टर्म हो गया प्लस ए सेकेंड हो गया तो इसमें अगर हम लोग फिफ्टीन कॉमन है दोनों में क्या कॉमन है 15. तो हो गया ना, जब हम हम लोग कॉमन फैक्टर आ गया तो वो क्या होता है कॉम्पोजिट नंबर होता है ठीक है क्या हो आंसर ऑप्शन ए कॉम्पोजिट नंबर और जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वह कंपोजिट नंबर होल नंबर भी होता है ठीक है कंपोजिट नंबर जो है वो क्या होता है होल नंबर भी होता है इसलिए बी भी सही होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एन बी आर ट्रू बोथ ए एन बी ए एन बी बोथ आर ट्रू तो ऊपर का ऑप्शन दिया हुआ है कि जब ए और बी दोनों सही हो ए और बी दोनों सही हो तो क्या लिखेंगे ऑप्शन ऑप्शन ए लिखेंगे अब देखिए नेक्स्ट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो अगर डिस्क्रिमिनेंट मीन हम लोग डिस्क्रिमेंट का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग बी का वैल्यू कितना थ्री तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए ए है वन सी कितना है माइनस फाइव तो सोल्व करेंगे कितना जाएगा ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी क्या है ग्रेटर देन जीरो ठीक है तो राइट है ए इज राइट फिर क्या बोला देखिए द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स क्योंकि देखिए ए

ये दिया हुआ है थ्री प्लस रूट टू फिर थ्री प्लस टू रूट टू थ्री प्लस थ्री रूट थ्री इन ए पी ये राइट है क्योंकि देखिए हमें एक प्लस हो रहा है एक रूट टू यहाँ में फिर रूट टू प्लस हुआ यहाँ भी रूट टू प्लस हुआ ठीक है माने कॉमन डिफरेंस सेम है तो ए पी में है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉ डॉट ए प्लस ए भी क्या है ये भी ए पी में है ए भी क्या है आपका ए पी में है अब देखिए इसके बाद में ए जो है आर नॉट इन ए पी या ए पी में नहीं है या क्या ए पी में नहीं है बोल रहा है लेकिन हम लोग चेक करेंगे तो ए पी में है लेकिन बोला है कि पी, इसका मतलब गलत बोला है इसको अगर हम चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम आएगा। इसका मतलब एपी ए में है। इफ दे आर क्रोसपोन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ट्राइंगल सिमिलर होता है कब जब उसका क्रस्पोंडिंग एंगल क्या हो इक्वल हो टू ट्रा सिमिलर होता है कब जब उसका कॉरस्पोंडिंग एंगल क्या हो इक्वल हो बिल्कुल सही है टू ट्राएंगल्स आर सिमिलर दो ट्राएंगल सिमिलर होता है इफ कॉरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल नो अगर कॉरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो तो दो ट्राएंगल कॉन्ग्रेंट नहीं भी हो सकता है इसलिए क्या हो गया गलत हो गया ओ सॉरी सॉरी अगर कॉस्पोंडिंग साइड अगर इक्वल है कॉरस्पोंडिंग साइड इक्वल है तो उसका रेशियो भी इक्वल होगा हाँ अगर कॉरस्पोंडिंग साइड इक्वल है तो उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा बाद में इक्वल आ जाएगा इसका मतलब दो ट्रा र ठीक है देखिए टू ट्रायंगल सिमिलर होता है अगर उसका एंगल इक्वल हो टू ट्रायंगल सिमिलर होता है जब उसका साइड क्या हो Proportional हो प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का मतलब साइड का रेशियो इक्वल हो तो साइड का रेशियो इक्वल होता है कब जब साइड्स इक्वल हो तो उसका रेशियो भी इक्वल होता है तो ये भी सही है एंगल एंगल क्राइटेरिया इज यूज फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल टू ट्रायंगल का सिमिलरिटी का एंगल 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 रूल होता है ये भी सही है मींस ए बी सी ऑल थ्री आर करेक्ट तो इस वीडियो में इतना ही और ट्वेल्व ट्वेल्व ओ क्लॉक में हम लोग लाइव क्लास करेंगे लाइव क्लास में आप लोग अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़िएगा क्योंकि लाइव क्लास में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन में कराने वाला हूँ फिर मिलते हैं ट्वेल्व पी में थैंक यू